नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब में आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट न्यूज के साथ। जो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के बारे में। तो आज तक इसमें लगभग 14 लाख आवेदन आ चुके हैं और आज इसकी अंतिम तिथि है, तो इसमें आज सर्वर भी डाउन रहेगा। हालांकि इसमें 1 लाख आने की आज उम्मीद है, तो इसमें आज रात्रि 12 बजे तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो मैं आपको ये सभी इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, जो आज के दैनिक भास्कर में जो इसमें खबर प्रकाशित हुई है उसका मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। बात कर लेते हैं इसकी आवेदन तिथि की। तो आवेदन इसकी तिथि आज इसकी लास्ट डेट है, और ये जो इसकी फॉर्म भरने की जो ये डेट है ये आगे नहीं बढ़ने की इसमें उम्मीद है। तो आप इसको जल्द से जल्द आज ही अप्लाई करके कर ले, क्योंकि आज इसमें सर्वर भी डाउन रहेगा और रात्रि 12 बजे तक आज इसको फॉर्म भर सकते हो। तो वीडियो में चलने से पहले कृपया एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको पुलिस कॉन्स्टेबल संबंधी पल पल की जानकारी इस पर अपडेट करवाता रहूँगा। तो आज बात कर लेते हैं कि ये आज की जो न्यूज़ आई है वो आपको मैं बता देता हूँ कि पुलिस मुख्यालय कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 14 व 15 जुलाई को हो सकती है, यानी ये कन्फर्म भी माना गया है। प्रदेश में 2 चरणों में होने वाली इस भर्ती को लेकर आवेदन में संशोधन की आखिरी तारीख है, यानी आज आप इसमें कुछ भी SSO ID भी चेंज कर सकते हो। आज के बाद यानी रात्रि 12 बजे के बाद में आप इसमें कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते हो, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। तो आज पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि आवेदन की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी कि इसके आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। इसको ध्यान में रखिए, आप आज ही जल्द से जल्द इसको आवेदन कर लिए, और बुधवार तक 14 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं और लगभग इसमें 17 लाख आने की इसमें उम्मीद है। 14 व 15 जुलाई को कोस्टल भर्ती परीक्षा कराने के लिए पुलिस मुख्यालय ने कॉलेज आयुक्त व शिक्षा विभाग को परीक्षा सेंटर उपलब्ध कराने के पत्र लिखा है, यानी कि 14 और 15 जुलाई को इसमें निश्चित ही परीक्षा होगी, क्योंकि उसके बाद में स्कूल का सत्र भी चालू हो जाएगा, तो ये परीक्षा होगी। परीक्षा 13,142 पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए थे, और इस इनमें से 30% पद महिला अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि 30% इसमें पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है, और 12.5 यानी 12.5% पद भूतपूर्व सैनिक के लिए इसमें आरक्षित किए गए हैं। और पुलिस मुख्यालय ने 5,000 से ज़्यादा पदों के लिए मार्च माह में ऑनलाइन कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू की थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने के कुछ दिन बाद ही SOG ने परीक्षा सेंटर के संचालकों द्वारा ऑनलाइन सिस्टम को हैंग करके अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र करने के मामले में भंडाफोड़ किया था। इसके बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई, अब भर्ती परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। तो इसके बारे में जो भी और भी खबर प्रकाशित होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।